हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब की क्लास में। ओके, ये जो वोकैब का क्लास है हमारे चैनल पे डेली होता है, तो जो भी लोग वोकैब का क्लास देखना चाहते हैं वो लोग डेली मेरे चैनल पे आ सकते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन जो है वर्ड के लास्ट में ION लगा रहेगा, तो ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, यानी कुछ प्रदान करने का कार्य, यानी कुछ प्रदान करने का कार्य, ठीक है? उसे ही प्रोविजन कहते हैं। द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग मतलब कि कुछ प्रदान करने का कार्य, कुछ प्रदान करने का कार्य, उसे ही प्रोविजन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? हम तीन चार बार वर्ड्स को बोलेंगे, आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है? बस आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? सेकेंड वर्ड है ऑब्लिगेटरी। सेकेंड वर्ड है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है? ऑब्लिगेटरी जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप जानते हैं ऑब्लिगेटरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है डेट यू मस्ट डू। इसका हिंदी मीनिंग होता है डेट यू मस्ट डू, मतलब कि अनिवार्य, मतलब कि अनिवार्य, उसे ही ऑब्लिगेटरी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल। नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, वर्ड के लास्ट में क्या लगा रहे? एल लगा रहे तो वो जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जानिए इसका मीनिंग। इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण या निर्णायक। ओके फ्रेंड्स, अत्यधिक महत्वपूर्ण या निर्णायक, उसे ही क्रूशियल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटैगोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटैगोनिस्ट। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी और ए प्ले, यानी कहानी या नाटक में मुख्य पात्रों में से एक, ठीक है? प्रोटैगोनिस्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी और ए प्ले, ठीक है? स्टोरी या फिर कहानी या फिर नाटक में से कोई एक मेन कैरेक्टर, ठीक है, उसे ही प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका कहानी या नाटक में मुख्य पात्रों में से एक, यानी कि मुख्य कैरेक्टर में से एक, उसे ही प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, डाइवर्स जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से एकदम अलग, यानी कि एक दूसरे से एकदम अलग, उसे ही डाइवर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, डाइवर्स मतलब कि वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से एकदम से अलग होना, एकदम से डिफरेंट होना, उसे ही क्या कहते हैं? डाइवर्स। डाइवर्स जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, डाइवर्स जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेंसमेंट। वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहे तो वो नाउन की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहे तो वो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ चीज की कुछ कुछ चीज स्टार्ट करना, किसी चीज की शुरुआत करना, उसे ही कॉमेंसमेंट कहते हैं, ठीक है? द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, उसे ही कॉमेंसमेंट कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इनेक्ट। इनेक्ट जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इनेक्ट जो है वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेंसमेंट, ठीक है? ये तो हो ही गया कॉमेंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इनेक्ट। इनेक्ट जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इनेक्ट जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब है टू पास ए लॉ, ठीक है? इसका मतलब है टू पास ए लॉ, यानी कि कानून बनाना। इनेक्ट का मतलब हो जाता है टू पास ए लॉ, यानी कि कानून बनाना, ठीक है? इनेक्ट, इनेक्ट का मतलब हो जाएगा कानून बनाना, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिमिट। नेक्स्ट वर्ड है रिमिट। ये जो है वर्ब के तो यूज होता है। ओके,
रिमिट जो है वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब है टू कैंसिल समबडी डेट और फ्री समबडी फ्रॉम ड्यूटी और पनिशमेंट, मतलब कि किसी के डेट को फ्री कर देना, ठीक है। टू कैंसिल सम मनी डेट मतलब किसी के डेट को जो है डेट को जो है कैंसिल कर देना, और फ्री समबडी फ्रॉम ड्यूटी और पनिशमेंट या फिर किसी को ड्यूटी और पनिशमेंट से जो है मुक्त कर देना, ठीक है, उसे ही रेमिट कहते हैं। आइए हिंदी में देख लीजिए, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कर्ज माफ करना या कर्तव्य या सजा से छूट देना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कर्ज माफ करना या कर्तव्य या सजा से छूट देना, उसे ही रेमिट कहते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए, ये जो है द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब था आज का। जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ये जो क्लास है डेली वोकैब का, हमारे चैनल पे ये डेली क्लास होती है, तो आप लोग आके देख सकते हैं वीडियो को, ओके। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।